Assalamu alaikum, Jumit Padesi is here with another topic. are we becoming over Muslims than Muslim? Are we observing Islam more than Islam? Are we understanding Islam at all? These are the questions that came in my mind. I was looking at Facebook and social media and talking to friends and everybody, the way they've been preparing for Ramadan, which is very good. Ramadan ke liye elaborate kism ki logon ne, meri friends the, dekhte walon ne, sab logon ne ki hai, jaane walon ne preparations ki hai, mahine mahine ki liye kebab aur parathe aur kya kya bana ke freeze ki hai, which is very good. Acha hai Ramadan mein, lekin iska maqsad piche kya hai? Iska maqsad piche ye hona chahiye ki phir aapke paas Ramadan mein time ho ki iftariya sehri banane ke bajaye पढ़ाई कर सके, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है. इसका मकसद ये है कि रमज़ान में आपने अफ्तारियाँ करनी है, अफ्तारियाँ करवानी है. हमारी पूरी कंसंट्रेशन जो है रमज़ान की वो इस पर चली जाती है कि हमने अफ्तारी करानी है, अफ्तारी करनी है, उधर जाना है अफ्तारी करने. उसको नहीं बुलाया तो वो नाराज़ हो जाएगा, उसके यहाँ नहीं गए तो वो नाराज़ हो जाएगा. दिस इज़ नॉट रमज़ान. देखिए, रमज़ान एक महीना है 30 दिन का जो हमें अल्लाह ने दिया है अपने अमाल ठीक करने के लिए. करेक्शन टाइम है हमारा ना, पूरे साल की इन्वेंटर है हमारी, इन्वेंट्री कहते हैं ना उसको इंग्लिश में, इन्वेंट्री है हमारी. और हमें इसमें, सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है सो मेरी आवाज़ थोड़ी रफ है, हमें ये अल्लाह ने ये एक महीना दिया है कि हम इसमें अपने ऊपर नज़र सानी करें. सबसे पहली बात, शैतान बंद हो जाता है. इसके बावजूद हम इस किस्म की हरकतें क्यों करते हैं? हम फिर भी झूठ बोल रहे हैं, हम फिर भी गीबत कर रहे हैं, हम फिर भी जो है वो ज़िंदगी सही से क्यों? इसलिए क्योंकि शैतान तो हमारे अंदर है. वो शैतान जो शैतान हमें बहकाता है वो अल्लाह ने बंद कर दिया है, लेकिन जो शैतान हमारे अंदर है, हमारा अपना अंदर का शैतान जो है वो खुल के सामने आता है रमज़ान में. तो उसको पकड़िए और उसको ठीक कीजिए. दिस इज़ द मेन स्पिरिट ऑफ रमज़ान. ओवर मुस्लिम मत हो. सफ़र पे जा रहे हैं तो नहीं नहीं मुझे तो रोज़ा रखना ही है क्योंकि दिखावा है कि मैंने प्लेन में रोज़ा खोला और मैं जाके सबको बताऊंगा कि प्लेन में रोज़ा खोला और तस्वीरें खींच खींच के. देखिए, ये रमज़ान की स्पिरिट नहीं है. अल्लाह ने आपको जो है वो लीनियंट किया है आपके लिए कि आप रोज़ा छोड़ सकते हैं अगर आपका सफ़र लंबा है. ठीक है, अगर आपका 1-2 घंटे का सफ़र है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके. लेकिन सफ़र जो है एस एस तकलीफ़ के साथ होता है. अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं, यूरोप से जा रहे हैं, और अगर आप तो 10 घंटे का तो आपका फ्लाइंग टाइम ही है, उसके बाद 4-6 घंटे ऊपर नीचे जो आपका टाइम रख ले, पहले एयरपोर्ट पे आना है, बीच में जहाज़ चेंज करना है. अगर आप अमेरिका से आ रहे हैं तो यू ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने कभी डायरेक्ट अमेरिका से पाकिस्तान नहीं, आई डोंट नो, सो 24 आवर्स बहुत सारा होता है और जितना भी टाइम है वहाँ का. तो आपको ये सारा, आपको ज़रूरी नहीं है रोज़ा रखना, आपको अल्लाह ने मना किया है तो आप बाद में रख सकते हैं. ओवर इस्लाम होने का भी की वजह भी आपके ख़िलाफ़ जा सकती है. ठीक है, क्योंकि आप अल्लाह ने जो असूल हमें दे दिए हैं या जो लिमिट्स हमें दे दी, जब आप उसको क्रॉस करें तो उसका भी तो अल्लाह पूछेगा कि जब मैंने तुम्हें आसानी दी थी तो तुमने अपने लिए मुश्किल क्यों की. नमाज आपको आपने आधी पढ़नी है अगर आप सफ़र पे गए हैं तो अपने लिए मुश्किल मत कीजिए. अपने रमज़ान की जो स्पिरिट है वहाँ तक रहिए. मेरा आज का ये मैसेज शॉर्ट एंड क्रिस्प आपके लिए यही है कि अपनी स्पिरिट ऑफ रमज़ान जो है उसको, अपना जो आपका जो व्यू है रमज़ान का उसको सही कीजिए, उसको सही से फोकस कीजिए. हमारा फोकस ही ख़राब हो गया है. हम लोग इफ्तारियों पे ही फोकस करते रहते हैं रमज़ान में, कपड़ों पे, इफ्तारियों पे, और 15 रमज़ान के यानी कि 10 रमज़ान के बाद तो हमारा जो है वो फोकस टोटली ईद पे हो जाता है. हमें बिल्कुल रमज़ान का ये होता है फटाफट फटाफट कुरान ख़त्म करो, ये करो, वो करो, ईद की तैयारी करो. देखिए, ईद अच्छी बात है, लेकिन ईद का मकसद क्या है? ईद का मकसद यह है कि आपने रोज़े रखे, अल्लाह के लिए आपने रोज़े रखे और उसकी आपको खुशी मनानी है. तो ईद की तैयारी ज़रूर कीजिए, इससे कोई गलत बात नहीं है. लेकिन रमज़ान जो है वो 1-30 दिन का महीना जो है वो सिर्फ इसलिए है कि हम अल्लाह से अपनी बख्शिश करवा लें. जो कुछ हमने किया पूरे साल में उसकी हम अल्लाह से इन्वेंट्री करवा के उससे अपनी बख्शिश करवा लें और अपने आप को ठीक करें, अपने अंदर जाके एक जैसे कहते हैं ना टाइम आउट लेके हम अपने अंदर जाके अपने आप को ठीक करें. दिस इज़ द मेन स्पिरिट ऑफ रमज़ान. सो प्लीज़ ट्राई एंड डील विद दिस रमज़ान. इस दफ़ा रमज़ान थोड़ा डिफरेंट तरीके से गुजारिए. खाने पीने पे ध्यान कम कीजिए, अफ्तारियों पे जाने आने के, कपड़े पहनने और जेवरात देखने और करने से अलग होके अपना अंदर का इंसान ठीक करने के लिए रमज़ान गुजारिए. चिल देन, चिमन परदेसी मिलते थे सुरख.